उन्नाव गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के आजाद मार्ग पर धनैया गांव के पास हर साल पानी के मुख्य पाइप लाइन फट जाने से बीच रोड में पानी का तेज बहाव अंदर ही अंदर सड़क को 10 फीट गहरे गड्ढे में जाता है और उसे गड्ढे में तब्दील कर देता है। जबकि बीच रोड में होने से 24 घंटे बड़े वाहनों का आवागमन होने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं अभी तक आला अधिकारी की लापरवाही से ना तो गड्ढे के पास सेफ्टी पट्टी लगाई गई है और ना ही राहगीरों को कोई भी जानकारी दी जा रही है। रात दिन आने जाने वाले लोगों को गड्ढा दूर से नहीं दिखता है, जिसके कारण आए दिन कोई भी बड़ी घटना दावत देती रहती है। एक और जहां हाईवे लखनऊ कानपुर पंथर बाईपास को जोड़ने वाला आजाद मार्ग से गंगा बैराज 24 घंटे चलने वाला रोड जो हाईवे से जुड़ा है और छोटे बड़े ओवरलोड वाहनों को यहां पे चलाया जा रहा है, जिसके चलते अब खतरा और भी बढ़ चुका है। आपको बता दें कि यहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान है। इसी बीच आला अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है। गड्ढे के अंदर से ईंटे लगाकर काम जैसे तैसे टरकाया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? राम प्रसाद नाम है। राम प्रसाद जी, ये बताइए, धनैया के पास एक पानी की पाइपलाइन फट गई है। हाँ, ये अधिकारियों की लापरवाही, हर दाए बनाते हर दाए गड्ढे होते इसमें भैया। एक बार नहीं, करीब 2-3 साल से आस्था इसे चल रहा है। लगभग कितना फीट गहरा होगा गड्ढा ये? करीब 10-15-12 गहरा गड्ढा है। ये रोड कहाँ से कहाँ जाया जाता है? ये चंद्रशेखर मार्ग मरहला से हाईवे में जुड़ा है। ये यहाँ पर और भी कोई हादसे हो चुके हैं क्या? अरे कितने हादसे हो चुके हैं, 10-5 मर गए, किनको गंती लगाए भैया। लगभग कितने दिन हो गए इस गड्ढे को होते हुए? ये गड्ढा तो करीब हफ्ता भर तो इसको भी हो गया होगा सर जी, हफ्ता भर करीब हो गया। उन्नाव से ये थी अविनाश कुमार की रिपोर्ट।